Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is Praveen Gupta. आज हम हिंदी माध्यम की कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान का अध्याय फर्स्ट स्थिर वैद्युत की प्रारंभ करने जा रहे हैं. अध्याय प्रथम बुक में कुछ इस प्रकार से दिया गया है. इसमें 1.1 से लेकर 1.4 तक हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. फिर विद्युत आवेश के मूल गुण लेक्चर सेकंड में, कूलाम का नियम और बहुल आवेशों के बीच का बल लेक्चर थर्ड, विद्युत क्षेत्र लेक्चर फोर और इस प्रकार से आगे. तो चलिए फर्स्ट लेक्चर विद्युत आवेश प्रारंभ करते हैं. यदि हमें आवेश की बात करनी है तो एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से एक परमाणु को देखें. आप जानते हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. ठीक बात है. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर आवेश होते हैं. इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश. प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? धनात्मक आवेश. और नाभिक में स्थित जो न्यूट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं? विद्युत उदासीन. ठीक बात है. यदि किसी वस्तु पर ऋण आवेश है और हम जानना चाहें कि इस पर ऋण आवेश आया कैसे है, आवेश केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से प्राप्त होता है. अगर इस पर ऋणावेश आया है तो ऋणावेश क्यों आया है? इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो रहा है. यानी किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो वस्तु क्या कहलाती है? ऋणावेशित कहलाती है. ठीक बात. इसी प्रकार से यदि किसी वस्तु पर धनावेश है और हम जानना चाहें कि इस पर धनावेश कैसे आया तो केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण आवेश आते हैं. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से बाहर जाएगा. ये वस्तु इलेक्ट्रॉनों को खोए तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी. इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इस वजह से वस्तु पर क्या आ जाता है? धन आवेश. क्लियर है. अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटोनों पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनों के एक्सचेंज ट्रांसफर के कारण धनात्मक व ऋणात्मक वस्तुओं पर आवेश आ जाते हैं. अगर समान प्रकृति के आवेश हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिकर्षित करती हैं. और विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो क्या करती हैं? आकर्षित. अब ये आवेश आता कैसे? हमने क्या देखा? इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज होना चाहिए. इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज कैसे करवाते हैं? एक एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं. मान लीजिए इस बैलून को, इस कैट, इस बिल्ली की फर इसकी खाल के साथ रगड़ें. तो होता क्या है, जब आप रगड़ते हैं तो आप कुछ ना कुछ वर्क करते हैं, कार्य करते हैं. कार्य ऊर्जा का रूप होता है. वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे ट्रांसफर करती है. जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को खोएगी उस पर धनावेश आ जाएगा और दूसरी वस्तु पर क्या आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा. ठीक बात है. अगर दोनों बैलून, ध्यान दीजिए ये तो समान पदार्थ के बने, अगर इनको पास पास मिलाएं तो क्या ये होंगे प्रतिकर्षित? क्यों? इन पर तो एक ही जैसा आवेश आया. तो जब भी एक जैसे आवेश को पास पास रखते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं. सहमत. लेकिन बिल्ली और बैलून के बीच में तो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, है ना? बैलून को आवेशित करने के बाद में यदि बिल्ली के पास मिलाएं तो बिल्ली से आकर्षित होगा, है ना? गुब्बारा बिल्ली से आकर्षित होगा. क्यों? क्योंकि गुब्बारे और बिल्ली पर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं. सहमत है. चलिए अभी तक जितना जाना है उस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन. -2 कूलाम ऋणात्मक 2 कूलाम आवेश क्या +2 कूलाम आवेश से कम होता है? सोचिए.
आपका आंसर यस हो सकता है, लेकिन ऐसा सही नहीं है आंसर। ये ऋणात्मक व धनात्मक आवेश की जानकारी दी थी बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने, राइट। इन्होंने बताया था कि धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार के आवेश होते हैं, बस प्रकार बताने के लिए नाम दे दिया गया है धनात्मक ऋणात्मक, इसका गणित से कोई लेना देना नहीं है। जो कि विद्युत आवेश की ध्रुवीयता होती है, ध्रुवीयता मतलब जैसे चुंबक की ध्रुवता होती है उत्तर व दक्षिणी ध्रुव। क्या हम ऐसा कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की तुलना में ज्यादा ताकतवर होता है? नहीं, हम जब भी तुलना करेंगे तो समान ध्रुवों की करेंगे, उत्तरी उत्तरी के साथ करेंगे, दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव की ताकत की तुलना करेंगे, लेकिन विपरीत प्रकृति के ध्रुवों के बीच की तुलना नहीं करेंगे। हम ये तो कह सकते हैं कि +2 कूलाम +4 कूलाम से कम होता है, लेकिन हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि ऋणात्मक 2 कूलाम आवेश धनात्मक 2 कूलाम आवेश से कम होता है, ठीक है। ये तुलना नहीं की जा सकती है। तो थोड़ा सा आइडिया लगा, ठीक है। प्रकार बताए गए, ये ध्रुवता है एक्चुअली, ये गणित वाले धन और ऋण की तरह से नहीं है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ए और बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और बी और सी प्रतिकर्षित करते हैं। ए सी के बीच जो स्थिर वैद्युत बल है उसकी प्रकृति कैसी होगी, राइट। अब हम कुछ पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं। अब हमें तो पता नहीं है भाई ए पर कैसा आवेश है और बी पर कैसा आवेश है, तो कुछ संभावनाएं क्या क्या पॉसिबल है। यदि ए पर धनात्मक आवेश है तो चूंकि ए बी को आकर्षित कर रहा है तो बी पर कैसा होना चाहिए, ऋणावेश होना चाहिए, सहमत है। फिर कह रहे हैं बी और सी प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो बी पर ऋणावेश है तो सी पर भी क्या होना चाहिए, ऋणावेश। लेकिन हमें पता थोड़ी है कि ए पर धनावेश है, ऐसा हो सकता है ए पर कैसा हो, ऋणावेश। तो यदि ए पर ऋणावेश है और बी इसको आकर्षित करे तो बी पर भी कैसा होना चाहिए, धनावेश, सहमत है। लेकिन बी सी को प्रतिकर्षित जब ही करेगा जब सी पर कैसा होगा, धनावेश। हमारा क्वेश्चन क्या था, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में, तो ए और सी की दो पॉसिबिलिटी आई, ए पर धनात्मक है तो सी पे ऋणात्मक, ए पे ऋणात्मक है तो सी पे धनात्मक, है तो विपरीत प्रकृति। तो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, आकर्षित। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए तथा बी के साथ साथ ए और सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी तीन वस्तुएं हमारे पास, ए बी सी, ए बी और ए सी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो बी और सी के बीच में स्थिर वैद्युत बल किस प्रकार से होगा? अब कुछ पॉसिबिलिटीज लेते हैं। भाई ए बी को आकर्षित कर रहा है तो क्या संभावना है कि ए धनात्मक है तो बी ऋणात्मक होना चाहिए, लेकिन आवेशित वस्तुएं हल्की उदासीन वस्तुओं को भी सदैव आकर्षित करती हैं, पोलराइजेशन के कारण, ध्रुवण के कारण। आगे देखेंगे इस बात को, लेकिन फिलहाल ध्यान रखें। तो ए बी को आकर्षित कब कब कर सकता है कि बी पर ऋणात्मक आवेश हो या बी उदासीन और हल्की वस्तु हो, ठीक बात है। ए सी को भी आकर्षित कर रहा है तो सी के लिए भी यही संभावना है कि सी ऋणात्मक हो या उदासीन हो। ओके, ए ऋणात्मक भी हो सकता है, एक तो आवेशित होनी चाहिए एटलीस्ट, है ना। ए ऋणात्मक है तो बी को आकर्षित जब करेगी या तो वो धनात्मक हो या उदासीन हो, क्लियर। इसी प्रकार सी धनात्मक हो या उदासीन, हमसे क्या बोला है बी और सी के बीच में। तो बी और सी के बीच में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, देखिए। बी ऋणात्मक हो और सी उदासीन तो आकर्षित करेंगे, एक आवेशित वस्तु दूसरी हल्की उदासीन वस्तु को क्या करती है, आकर्षित, राइट। एक धनात्मक दूसरा उदासीन, एक धनात्मक दूसरा उदासीन क्या करेगा, आकर्षित। लेकिन ऐसा हो सकता है कि दोनों ऋणात्मक हो या दोनों धनात्मक हो तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, क्लियर। लेकिन दोनों ही उदासीन हो तो न तो आकर्षित नहीं प्रतिकर्षित, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, उपरोक्त में से कोई भी संभव है। फर्स्ट भी ऑप्शन पॉसिबल है, सेकंड भी पॉसिबल है, थर्ड भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या कहलाएगा, फोर्थ, क्लियर है। फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, फाइन एवरीबॉडी। हमने जाना वस्तुएं आवेशित होती हैं इलेक्ट्रॉनों के एक्सचेंज के कारण, विनिमय के कारण। धनात्मक ऋणात्मक दो प्रकार के आवेश होते हैं,
जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया, लेकिन ये किस किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कर सकते हैं, विनिमय कर सकते हैं, उनकी कौन कौन सी विधियां हैं। पहला कहलाता है फ्रिक्शन घर्षण, दूसरी विधि कहलाती है विद्युत चालन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंडक्शन, तीसरी कहलाती है विद्युत प्रेरण जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंडक्शन, राइट। तो सबसे पहले हम सीखेंगे घर्षण द्वारा वस्तुएं कैसे आवेशित होती हैं। थेल्स, एक ग्रीक साइंटिस्ट, उन्होंने एक प्रभाव बताया जिसको कहते हैं टर्बो विद्युत प्रभाव। ये टर्बो जो शब्द है ग्रीक शब्द है, ये घर्षण के लिए दिया गया है, ये घर्षण से संबंधित प्रभाव है। इसका मतलब टर्बो विद्युत प्रभाव में क्या कहा जाता है, एक साथ रगड़ने पर, जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं, जैसे गुब्बारे को बिल्ली की खाल से रगड़ा था, तो वस्तुओं पर आवेश आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए रेशम और कांच को रगड़ा जाए, कठोर रबर को फर जैसे कि बिल्ली की खाल या ऊन के साथ रगड़ा था हमने, तो फटाफट से उन पर आवेश आ जाता है। इस बात को डिटेल में समझते हैं कि घर्षण से आवेश आता कैसे। मान लीजिए आप घर की तरफ लौट रहे हैं, ओके, गेट में एंटर करते हैं, मान लीजिए गेट के बाहर एक कालीन बिछा हुआ है, आप यदि जूतों से घिसटते हैं भाई, जब आप चलते हैं तो क्या करते हैं, धरातल को पीछे की तरफ धकेलने का प्रयास, है ना, पीछे की तरफ धकेलने का प्रयास करते हैं, तो जो नीचे कालीन है उससे आपके जूते घर्षित होंगे, होंगे कि नहीं, है ना। आपने कई बार देखा होगा, जनरली सर्दियों वगैरह में जरूर आपने देखा होगा कि जैसे ही गेट के डोर को आप हाथ लगाते हैं तो आपको करंट का अनुभव होता है, कई बार झटका लगता है, राइट। कभी आपने विचार किया ऐसा क्यों होता है, हुआ क्या, क्यों हुआ ऐसा? जब आप घर्षित कर रहे थे, राइट, तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जो इस कालीन से आपकी बॉडी को ट्रांसफर करते हैं, तो कालीन पर तो धनावेश आ जाता है, और आपकी बॉडी में, आपके शरीर में कैसा आवेश आ जाता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋणावेश आ जाता है। और जब आप गेट के नॉब को हाथ लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, आवेश का ट्रांसफर हमेशा अधिक विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की तरफ होता है। जब भी हम आवेश कहते हैं तो हमारा मतलब धनावेश से होता है, इलेक्ट्रॉन का उल्टा ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन आपकी वस्तु में अधिक हो गए थे, आप में, आपके शरीर में अधिक हो गए थे, उससे इस नॉब को ट्रांसफर होते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। होता क्या है, आप में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है जिससे आपको विद्युत का झटका महसूस होता है, यस और नो, लगा है आपको झटका, फाइन, ओके। अब टर्बो विद्युत प्रभाव, टर्बो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या हुआ उसे समझें अपन। जब भी उपयुक्त सामग्री से बने दो निकायों को उपयुक्त परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ रगड़ा जाए, उपयुक्त परिस्थिति का मतलब गीली नहीं होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, है ना, सूखी होनी चाहिए, जैसे आप कालीन पर चल रहे थे तो जूते रगड़े जा रहे थे, राइट। तो होता क्या है, तुलनात्मक रूप से एक वस्तु जिसका कार्य फलन कम होता है वो इलेक्ट्रॉनों को खो देती है, और दूसरी वस्तु जो उसके संपर्क में होती है वो इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करती है। आपने कालीन से इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए थे, वस्तु जो इलेक्ट्रॉन खो देती है उस पर धनावेश आ जाता है, जबकि दूसरी वस्तु जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है उसमें, तो वो कैसी कहलाती है, ऋणावेश कहलाती है। ये क्या कहलाता है, टर्बो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हिंदी में टर्बो विद्युत प्रभाव, क्लियर है। इस प्रकार घर्षण से वस्तुएं आवेशित हो जाती है।
थेल्स ने टर्बो विद्युत श्रेणी तैयार की, द टर्बो इलेक्ट्रिक सीरीज, बहुत सारी वस्तुओं के साथ प्रयोग किया, बहुत सारी वस्तुओं के साथ में प्रयोग किया थेल्स ने। कुछ सामान्य वस्तुओं के बीच घर्षण के प्रयोग की मदद से और वस्तुओं की एक श्रेणी को तैयार कर लिया, जैसे मानव शरीर, कांच, ऊन, कपास, एल्यूमिनियम धातु, कागज, इस्पात। ओके, इनके कार्यफलन कम होते हैं तो इनको श्रेणी में धन की ओर रख दिया, क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रकृति रखते हैं। दूसरी वस्तुएं लकड़ी है, कठोर रबर है, तांबा है, चांदी है, सोना, गुब्बारे वाला रबड़ और पीवीसी पाइप्स होते हैं ना, वो पीवीसी मटेरियल, इनका वर्क फंक्शन कार्य फलन अधिक होता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति रखते हैं, तो इनको ऋण की ओर रख दिया है। धनात्मक पक्ष की ओर स्थित ये वस्तुएं हैं, अगर ऋण की तरफ स्थित वस्तुओं के साथ रगड़ी जाती हैं तो ये तुलनात्मक रूप से धन वाली इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखती हैं। क्यों? क्योंकि इनका कार्य फलन कम होता है। तो जब भी इन दो में धनात्मक ऋणात्मक किन्हीं दो को एक ऊपर से ले लेंगे, एक ऋण की तरफ से ले लेंगे, एक दूसरे के साथ घर्षित करते हैं, तो धनात्मक स्थित धनात्मक पक्ष की तरफ वस्तु है वो तुलनात्मक रूप से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है, और ये वाली वस्तुएं जो ऋण की तरफ है ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। ये सीरीज, इन वस्तुओं की श्रेणी क्या कहलाती है? द टर्बो इलेक्ट्रिक सीरीज, टर्बो विद्युत श्रेणी। क्लियर है? ओके, इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि घर्षण से कैसे आवेश आता है। यदि वस्तु ए को वस्तु बी के साथ रगड़ा जाता है तो ए धनात्मक आवेश प्राप्त करता है, जबकि बी को ऋणात्मक आवेश प्राप्त होता है, ए को धन और बी को ऋण। लेकिन जब ए को सी के साथ रगड़ते हैं तो ए को ऋणावेश प्राप्त होता है और सी को कैसे प्राप्त होता है? धन। तो हमसे पूछा गया है जब बी और सी को आपस में घर्षित किया जाए, रगड़ा जाए, तो वस्तुओं पर आवेश की प्रकृति क्या होगी? तो देखिए, फर्स्ट स्टेप में ए को पर धनावेश आया था और बी पर ऋणावेश आया था। इससे क्या कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष निकल रहा है? धनावेश आया इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉनों को इजीली त्याग दिया है, त्यागने की प्रकृति रखता है। ये कौन है जिनका कार्यफलन, कार्यफलन को ऐसा फाई से निरूपित करते हैं, यानी ए का कार्यफलन बी की तुलना में कम होगा। लेकिन आगे कहते हैं एक्सपेरिमेंट में, ए को सी के साथ रगड़ा जाता है तो ए पर ऋणावेश आता है और सी पर धन, इसका मतलब ए का कार्यफलन सी की तुलना में ज्यादा है, ए का कार्यफलन सी की तुलना में ज्यादा है। हम दोनों को कंबाइंड कर लें तो देखो, सी सबसे कम है, ए उससे ज्यादा और बी सर्वाधिक है। तो हमसे कहा गया बी और सी को रगड़ा जा रहा है, बी और सी को रगड़ा जा रहा है तो बी अधिक है, कम कार्यफलन वाली इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रकृति रखते हैं, तो सी वाली इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगी और बी वाली ग्रहण करेगी। बी ग्रहण करेगी तो कैसा आ जाएगा? ऋणावेश। और सी ने त्यागा है तो उस पर क्या आ जाएगा? धनावेश। क्लियर हो गया? अभी हमने देखा कि घर्षण से कैसे आवेश आता है आवेशन की विधियां में। अब हम सेकंड विधि देखने जा रहे हैं, चालन द्वारा वस्तुएं कैसे आवेशित होती है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से बात करते हैं। दो बीकर आपके पास हैं, पानी से भरे हुए, मान लीजिए एक ट्यूब से जोड़ दिया, बीच में कॉर्क लगा हुआ है इनमें, राइट? ओके, अब होता क्या है, कॉर्क को हटाने पर, कॉर्क को हटाएं अपन, तो अगर इनका लेवल समान है जब तो कोई ट्रांसफर होगा नहीं, लेकिन लेवल अलग अलग है तो आपको बहुत अच्छे से पता है उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ लिक्विड का फ्लो होता है, द्रव का प्रवाह होता है, जल का प्रवाह होगा उच्च से निम्न की तरफ। सहमत है वाली बात? कब तक होगा? जब तक कि दोनों का स्तर समान नहीं हो जाएगा। यस और नो? अब इसी बात को हम आवेश के संदर्भ में बात कर लेते हैं कि जब भी दो चालक वस्तुओं को आपस में जोड़ेंगे, संपर्क में लाएंगे,
एक पर मान लो Q1 है Q2, कब तक होता है, जब तक कि दोनों में बराबर नहीं हो जाता। तो कुल आवेश का आधा आधा दोनों पर वितरित हो जाएगा। क्या हम ये कह दें कि दोनों में जितना भी पानी था उनका आधा आधा दोनों में आ गया है? सहमत है ना? लेकिन वो तब था कि दोनों में समान तब जाएगा जब दोनों की धारिताएं समान होगी, राइट? हम यहाँ एक वर्ड शब्द यूज करते हैं, आयतन की जगह भौतिकी में, चालन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्थिरवैद्युतिकी में यूज करते हैं एक शब्द धारिता। अंग्रेजी में कहते हैं कैपेसिटी, सी से निरूपित करते हैं। यदि धारिता असमान है तो आपको पता है कि बड़ा बर्तन और छोटे बर्तन को आपस में कनेक्ट करेंगे आप, तो हाँ जल तो प्रवाहित होगा, लेकिन कब तक होगा? जब तक इनका स्तर समान नहीं हो जाता। स्तर समान हो गया तो देखो बड़ी धारिता में ज्यादा आ गया है, कम वाले में कम आया ना, यानी वो धारिता के अनुपात में जाता है ना? फर्स्ट पर धारिता के अनुपात में, सेकंड पर धारिता के अनुपात में। ये फॉर्मूले को हम इस सेकंड अध्याय में ड्राइव करेंगे, व्युत्पन्न करेंगे। कैसे आया है ये, फिलहाल जानकारी के लिए बता रहे हैं ना, याद रखो। क्यों, क्या है कुल आवेश? कुल आवेश धारिता के अनुपात में चला जाता है। Q1 बराबर C1, ये टोटल है धारिता, इनटू टोटल आवेश। Q2 C2 ओवर C1 प्लस C2 के बराबर, फाइन। ओके, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या था चालन द्वारा आवेशन का? हम कह रहे थे स्तर, उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ। स्तर को हम यहाँ स्थिरवैद्युतकी में कहते हैं विभव, राइट? तो जब भी दो वस्तु कम से कम एक आवेशित होनी चाहिए, एक दूसरे के संपर्क में आए। हमने देखा दोनों जारों को कनेक्ट किया था तो संपर्क में आए थे, तो होता क्या है, उच्च स्तर से निम्न की तरफ जा रहा था ना, तो उच्च विभव की वस्तु से निम्न विभव की वस्तु तक विद्युत आवेश का प्रभाव होता है, राइट? और कब तक हुआ था? जब तक कि दोनों का स्तर समान नहीं हो गया था। स्तर यानी कि यहाँ विद्युत विभव से मतलब है, जब तक कि उनका विद्युत विभव समान नहीं हो जाता है, क्लियर? तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है चालन में, विद्युत विभव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का प्रभाव होता है। जब हम केवल एक आवेश वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब होता है धनावेश। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो उल्टा होगा, निम्न विभव से उच्च विभव, ठीक है? ओके, अब मान लीजिए आपके पास एक धनात्मक आवेशित धातु का गोला है, धनात्मक, ठीक है? ये कुछ चालक स्टैंड है जो पीले कलर से दिखाए हैं उन पर रखा है। दूसरा एक उदासीन धातु का गोला, उदासीन कैसे, जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, क्लियर? इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाए अपन, राइट? तो होता क्या है, हमने क्या देखा था, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धनावेश का प्रभाव होता है। तो इलेक्ट्रॉन उल्टा निम्न से उच्च, ये उदासीन था ना, उदासीन से इलेक्ट्रॉन धन वाले गोले की तरफ चलते हैं, राइट? उससे होता क्या है, धन पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं तो धन को कुछ न्यूट्रल कर देते हैं, तो इसका धनावेश कम हो गया। ये उदासीन था, इसने इलेक्ट्रॉन खो दिए हैं जो पहले वाले को मिले हैं, इसने इलेक्ट्रॉन खो दिए हैं कुछ, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है, तो ये दूसरा वाला गोला कैसा हो जाता है, धनात्मक आवेशित हो जाता है, क्लियर है? अब इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि चालन द्वारा जो आवेशित होती है वस्तु, इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे उनको हल करेंगे अपन। एक क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है कि वस्तु ए, बी और सी एक समान विद्युत रुद्ध गोलाकार चालक है। विद्युत रुद्ध जैसे कुचालक स्टैंड पर रखा था हमने, प्रारंभ में ए और बी पर +3 मिलीकूलम, स्मॉल एम का मतलब मिली, जबकि सी पर -6 मिलीकूलम। ए बी पर तो बराबर है, सी पर माइनस में 6 मिलीकूलम। वस्तु ए और सी को स्पर्श करवाकर फिर उन्हें अलग अलग ले जाया जाता है, अलग अलग कर दिया। फिर वस्तु बी और सी को अलग ले जाने से पहले स्पर्श कराया जाता है। यदि वस्तु ए और बी को अब एक दूसरे के निकट रखा जाए पास पास में, तो क्या वे आकर्षित होंगी, क्या वे प्रतिकर्षित होंगी, क्या एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगी, यह जानकारी अपर्याप्त है। ये चार ऑप्शन है क्वेश्चन के। तो इसमें देखिए क्या है, आप एक दूसरे से स्पर्श करा रहे हैं तो कांटेक्ट मिला रहे हैं, चालन की प्रक्रिया होगी। चालन में क्या कॉन्सेप्ट था पहले वो देख ले अपन। चालन का कॉन्सेप्ट कि समान धारिता के दो बीकर आपने रखे, तो आवेश का प्रभाव होता है उच्च से निम्न की तरफ,
कब तक होता है? जब तक कि बराबर नहीं हो जाता। बराबर स्तर हो गया तो दोनों में बराबर बराबर आवेश हो जाता है, कुल का आधा आधा। तो ये कॉन्सेप्ट काम में लेंगे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हल करते हैं। ए बी सी तीन है, फर्स्ट और सेकंड पर +3 +3 है ना भाई। सी पर क्या है? माइनस का 6 ऋणावेश है। सबसे पहले आपने ए और बी प्रारंभ में, ए और बी पर इतना था, फिर हमने क्या किया था, वस्तु ए सी को स्पर्श करवा कर, ए और सी को सबसे पहले स्पर्श कराया। ए और सी को स्पर्श कराया तो ए और सी की जोड़ का आधा +3 और -6 का आधा कितना हो गया? -3/2। दोनों पर है ना, ए और सी का आधा आधा, यानी -3/2 -3/2 आ जाएगा। सहमत है यहाँ तक? फिर कहते हैं बी और सी को अलग ले जाने से पहले स्पर्श कराया, फिर आपने बी और सी को स्पर्श कराया। यहाँ तक आ गए अपन, बी और सी को स्पर्श कराएंगे तो बी और सी के योग का आधा, तो बी पर कितना है? +3, और सी पर कितना है? -3/2 का आधा। तो ये हो गया 3/2 का आधा कितना? +3/4। तो यानी अब बी और सी पर +3/4 +3/4 आ जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन क्या था? ए और बी के बीच में बल कैसा लगेगा? ए और बी के बीच में किस किस का? ए और बी के बीच का बल पूछा आपसे। तो क्या रहा भाई? ये तो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, तो अनडाउटली क्या लगेगा? आकर्षण। तो कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट वाला। क्लियर है? नेक्स्ट। अब पहला वाला क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने लिया, उसमें धारिता समान थी, समान प्रकार के थे। अब देखिए 4 सेमी और 6 सेमी त्रिज्या वाले दो गोले, तो इसका मतलब धारिता इस बार अलग अलग है ना। उस केस में वितरण कैसे होता है? धारिता के अनुपात में, है ना। तो उस पर क्वेश्चन आया तो कैसे करेंगे? देखिए ए वाले पर 80, म्यू का मतलब होता है माइक्रो, 10^-6, और स्मॉल एम होता है तो मिली, 10^-3, राइट। एक महीन तार से जोड़ दिया, संपर्क कराने के लिए तो बिल्कुल टच करा दें उनको, स्पर्श करवा दें, या एक तार से जोड़ दें, है ना। तो आवेश का चालन प्रक्रिया से प्रभाव होता है, राइट। तो हमसे ये पूछा है एक से दूसरे तक, हमें पता नहीं किससे किसको जाएगा, ए से बी जाएगा या बी से ए जाएगा, कितना आवेश का प्रभाव होगा। हमने क्या देखा था कि धारिताएं अलग अलग होती हैं, तो आवेश धारिता के अनुपात में जाता है। Q1′=C1/C1+C2 इनटू कुल आवेश, Q2′=C2/C1+C2 इनटू कुल आवेश। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे अपन, राइट। तो चलो हल करते हैं। अब द्वितीय अध्याय में हम देखेंगे कि गोलाकार जो चालक होते हैं उनकी जो धारियता होती है त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। आप चिंता ना करें, इसका व्युत्पन्न करेंगे हम, डेरिवेशन करेंगे द्वितीय अध्याय में, फिलहाल इस क्वेश्चन में काम में आ रहा है इसलिए ले रहे हैं, ठीक है। तो सी अनुक्रमानुपाती होता है आर के, तो सी की जगह आर लिख सकते हैं अपन, राइट। रख दें मान, फर्स्ट वाले का त्रिज्या कितनी है? 4, दूसरे वाले की कितनी है? 6, और कुल आवेश कितना है? 80 + 40 = 120। ये नीचे 10 हो गया है, 0 से 0 कट जाएगा, 12 चौक 48 माइक्रो कूलम। ए वाले पर 48 हो गया, तो आप देखो ए पर था कितना? 80 था, तो कम हो गया ना, इसका मतलब ए से बी को गया है, आया ना, ए से बी जाएगा जैसे पहले तीन ऑप्शन में। कितना जाएगा? कितना कम हुआ है? 80 - 48 यानी 32 माइक्रो कूलम, यानी 32 माइक्रो कूलम, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा क्या? तीसरा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, 32 माइक्रो कूलम ए से बी को चला जाएगा। क्लियर हो गया? अब आवेशन की विधियां में हम तीसरे प्रकार का देख रहे हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिसको कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशित करना वस्तु को, टच नहीं कराएंगे, टच कराने का मतलब चालन, राइट। तो उसके लिए हम पहले समझ लेते हैं, एक धनात्मक आवेशित धातु का गोला है और दूसरा विद्युत उदासीन है। विद्युत उदासीन क्यों है? जितना धन है उतना ऋण है, दोनों को कुचालक स्थिति, कुचालक पे क्यों रख रहे हैं? पृथ्वी से कोई आवेश इस पर ट्रांसफर नहीं हो इसलिए, फाइन। अब इन दोनों को पास पास में लाए, टच नहीं कराएंगे, पास पास में लाए दोनों को। तो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, जब हम इनको पास पास में लाते हैं, यदि एक धनावेशित गोले को उदासीन धात्विक गोले के निकट लाया जाता है, धनात्मक को उदासीन के पास लाते हैं, तो
तो ये इसमें उदासीन में स्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। तो इसकी सतह पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता क्या कहलाती है? ऋणावेश। पहले तो मिले जुले थे धनावेश, है ना, बिखरे हुए थे एक समान रूप से। और दूसरी सतह की और इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, तो दूसरी सतह पर क्या हो जाता है? धनावेश। ये जो एक सतह पर ऋणावेश आ गया, दूसरी सतह पर धनावेश हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेरित आवेश। क्या कहते हैं इसको? प्रेरित आवेश। ओके, यदि दूसरे गोले को भू संपर्कित कर दें, दूसरे वाले को पृथ्वी से कनेक्ट कर दें, राइट, तो टोटल आवेश तो जीरो था ना इसका, राइट। ओके, तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉनों का इसको ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन इस पर आते हैं। तो इस सतह पर जो धनावेश है उसको ये इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या कर देंगे? न्यूट्रल कर देंगे, है ना, क्या कर देंगे? न्यूट्रल। तो इस पर केवल ये रेड से नेगेटिव दिखाया है, ऋणावेश रजाने वाला है, क्लियर है। तो इस ये जो उदासीन था अब क्या हो जाएगा? ऋणात्मक आवेशित धातु गोला हो जाएगा। पृथ्वी से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों के कारण इसका जो धन आवेश है वो क्या हो जाता है? विद्युत उदासीन हो जाता है। और केवल प्रेरित, ये प्रेरित लगा क्योंकि इस सतह पर इलेक्ट्रॉनों की एकता हो गई थी, ऋणात्मक आवेश दूसरे गोले पर रह जाता है, इसलिए ये गोला क्या कहलाता है? ऋणात्मक। देखो कॉन्टेक्ट में नहीं लाए थे, टच नहीं कराया था, ये प्रक्रिया कहलाती है प्रेरण द्वारा आवेशित करना। क्लियर है? प्रेरण द्वारा आवेशित कर, आपने देखा होगा वर्षा ऋतु में बिजली चमकती है, वो बिजली चमकती कैसे है? वो बादलों के गर्जन के दौरान आवेश प्रेरित होता है। कैसे? बादल आपस में घर्षित होते हैं, तो बादलों की निचली सतह पर ऋणावेश आ जाता है। वो पृथ्वी की सतह पर, ऊपरी सतह पर कैसा उत्पन्न कर देता है? धनावेश। तो बादलों की सतह पर तो आ गया ऋणावेश, और निचली सतह पर आ गया धनावेश, राइट। तो बिजली एक बादल और जमीन के बीच विद्युत विसर्जन होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है बादल और जमीन के बीच में, क्योंकि विपरीत प्रकृति के हो गए, है ना। फाइन, आज हमने देखा विद्युत आवेश के बारे में जानकारी ली, राइट। ये फर्स्ट लेक्चर था, इसमें हमने 1.1 से 1.4 तक डिस्कस किया। सेकेंड लेक्चर हम लेंगे विद्युत आवेश के मूल गुण, जो लेक्चर सेकेंड कहलाएगा, विद्युत आवेश के मूल गुण। इसके साथ साथ ही हम आवेश घनत्व का एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे हमारे काम में आएगा गॉस के प्रमेय के अंदर, गॉस की एप्लीकेशंस के अंदर। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद्युत आवेश के मूल गुण, इसमें हम इकाई वगैरह भी और विद्युत आवेश के बारे में बाकी सारी जानकारी लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।